वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का ट्रेलर आ चुका है। वी ऑल नो दैट। एक्चुअली टीजर आया था कुछ दिनों पहले एंड उसके बाद गाना आया था तुम क्या मैं। ऑब्वियसली अरिजीत सिंह का जो वॉइस था लाइक इट्स कंप्लीटली मेलोडियस काइंड ऑफ क्या बोलूं लाइक एवरी टाइम अरिजीत सिंह का कोई गाना आता है काइंड ऑफ अ रिफ्रेशिंग काइंड ऑफ थिंग। इस बार एक कॉम्बिनेशन भी ऐसा था ना अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल एंड वो दैट ड्यूअल कॉम्बो जो एक पावरफुल कॉम्बो होता है हमें पता है। और इसमें रणवीर और आलिया के अलावा भी बहुत बड़ी कास्ट है जैसे धर्मेंद्र सर हैं, जया बच्चन जी हैं और शबाना आजमी है। मतलब स्टार कास्ट बहुत बढ़िया ही है। लाइक हमें पता है करण जौहर की मूवी में क्या क्या होना चाहिए वो सब होगा हर एक मूवी में। नाउ इट्स टाइम फॉर द रिएक्शन फॉर द ट्रेलर। एक्चुअली मूवी इज गोइंग टू रिलीज ऑन जुलाई 28th। मतलब अभी दो हफ्ते बाकी है। पर मैं सोच रहा हूं बहुत लेट प्रमोशन स्टार्ट किया है ना। प्रोबेबली पता नहीं एंड आफ्टर लेट्स करण जौहर मूवी है तो उनको पता है कि कैसे किस लेवल पर प्रमोशन लेके जाना। लास्ट मोमेंट पे भी ही नोस लाइक मतलब क्या क्या तरीके से लेकर आएंगे प्रमोशन। बट देन लेट्स वॉच द ट्रेलर बाकी बात। रॉकी रंधा ऑन दिस साइड। यार आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो आई एम सॉरी आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू। आई वाज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। तार लो जितना तार ना देखने की चीज है बड़ी मेहनत से बनाई है जी। ऑल नेचुरल नो स्टेरॉइड आज से। आई बरेली में तो बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। भाई तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना। प्रॉब्लम यही है तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तो कुछ पूछ के देख। गूगल ने चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना। मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट में बट ऑब्वियो ईस्ट में है। बट ये ट्रिक क्वेश्चन था। ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी लेकिन फिर मैं तुम्हें चेकआउट कैसे मत पिछड़ा के भाई। मंडप सजा दे घोड़ी पे सवार आ रहा रानी का राजा। होल्ड योर हॉर्स। सी द प्रॉब्लम इज हमारी फैमिली इज बहुत अलग। रिश्ते का स्टीयरिंग व्हील चाहे अपना हाथ में हो बैक सीट ड्राइविंग फैमिली करता है। फिर क्या चाहती क्या है मैं आके रह जाऊँ तेरी फैमिली के साथ। तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी। तू रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी। मैं ओह माय गॉड जीनियस। इट्स अ स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे से निकल गया। ये सर्वाइव कर गए ना तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो। क्या फायदा शमिता तो है नहीं। शमिता शमिता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है। बिग बॉस। ना क्लास ना एजुकेशन। तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। इन दोनों की प्रेम कहानी के औकात मैंने न दिखाई तो मेरा नाम नहीं था। तू सही कहती है हम दोनों बहुत अलग हैं और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी मगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है। नहीं तोड़ा करते। वो आर्टिक कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री लॉन्ड्री बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो। मैं आता हूँ बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो। मैं आता हूँ। गल तो था आंटी आप रानी मम्मी है। Okay, so this is going to be a flashy romantic drama movie kind of thing. And वो जो करण जौहर का movie है मैं पता ही लग जाता। trailer देख के पता लग जाता जो glamour full kind of celebration vibe जो होता है वो पूरा हो जाता है। And then coming back to this trailer, I think
शुरुआत कैसे होता है, दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, वो जो फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ रहा है, मतलब आई थिंक वो प्रेजेंट होगा एंड देन दे आर गोइंग टू द बैक स्टोरी काइंड ऑफ होगा, है ना. तो आई थिंक द स्टोरी इज वेरी मच सिमिलर, हमें पता है, हम देख चुके हैं बॉलीवुड में ऑब्वियसली, जैसे मतलब दोनों दो स्टेट से है, तो टू स्टेट से हमें याद होता है, आलिया भट्ट और हमारा अर्जुन कपूर का जो मूवी था, एंटायरली सेम ही लग रहा है, मतलब उसमें भी दो फैमिलीज का इंपॉर्टेंस था, इसमें भी दो फैमिली का इंपॉर्टेंस है. एक ही चीज डिफरेंस है कि दोनों आपस में स्विच हो जाते हैं 3 महीने के लिए, एक दूसरे के घर पे घर जाकर रुकना पड़ता है, सर्वाइव करना होता है, दे आर सर्वाइविंग, कैसे सर्वाइव करेंगे वो, एंड पूरा आई थिंक थोड़ा कॉमेडी होगा, थोड़ा इमोशनल होगा, एंड जरूरी बात ये होगा कि वो दैट इमोशनल सीन्स वगैरह जो है वो बहुत टची होना चाहिए. धर्मेंद्र का एक सीन था जिसमें ही इज क्राइंग, वो बस एक ही थोड़ा पोर्शन दिखाया था उनका, बट देन वहां पर इस मूवी का थोड़ा वो चेंज हो सकता है, बट अनटिल एंड अनलेस मेरे को ऐसा लग रहा है कि दैट काइंड ऑफ स्टोरी हम देख चुके हैं, हमें पता है क्या होने वाला है, क्या होगा, मतलब स्टोरी में कुछ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल नहीं होगा, पर हमें पता है क्या होने वाला है, उन्होंने बस एक दुर्गा पूजा का पूरा वो जो सेटअप वगैरह, मतलब करण जौहर का जो भी मूवीज है उसमें स्पेशलिटी ये होती है की हमें एग्जॉटिक सेट्स मिलेंगे, दोनों के बीच में प्यार होना वगैरह तुमने एक चीज नोटिस किया कि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है बहुत फ्लैम्बॉय टाइप है, मतलब बिल्कुल ही केयरलेस जीता है, ढोल वाला मूवी को बैंड बजा बरा, उसमें जो कैरेक्टर था बिट्टू शर्मा जो है वैसा ही कैरेक्टर, बहुत केयरलेस काइंड ऑफ कूल एटीट्यूड में जैसा है वैसे, मतलब ऑन द अदर साइड आलिया जो है शी इज काइंड ऑफ थोड़ा सीरियसनेस के साथ, मतलब थोड़ा लाइक व्हाट यू कॉल, मतलब चीजों को थोड़ा, क्योंकि वो फैमिली में भी दिखा रहे हैं इसके अंदर डिसिप्लिन्ड फैमिली विद ऑल दोस, मतलब जो भी है एक पॉइंट वाइज चलना चाहिए काइंड ऑफ थिंग्स, देखना कि कितना वो इट लुक्स फाइन, आई मीन एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है कह सकते हैं, मतलब दो जनरेशन एक साथ जाकर मूवी देख सकते हैं, नॉट कंप्लीटली अ यंग यूथ मूवी, बट देन हम लाइक बिकॉज इसमें जया बच्चन है, शबाना आजमी है, देन धर्मेंद्र है, तो इवन लाइक वो एक पॉइंट मेरे को अच्छा लगा कि दो जनरेशन एक साथ जाकर मूवी देख सकते हैं, स्टोरी कितना स्ट्रांग होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, बस ये हम कह सकते हैं, वांट टू सी इफ लाइक इट विल बी अ कमबैक फॉर रणवीर सिंह, हमें पता है दो तीन फ्लॉप्स वगैरह हुए अभी रिसेंटली, तो we wanted to like ye thoda blast ho kind of, but then I think I personally feel ye thoda feel good vibe kind of movie hoga, family friendly feel just good like jaakar dekh kar aao, otherwise I think majority of the audience I think they will prefer to watch it on OTT, I think but then yeah it's all kind of a feel good movie, and then so I hope aap logo ko hamara trailer reaction acha laga to like karna, share karna, subscribe karna, aur suggestion comment down below.